समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रही गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो जाएंगे। आज चार विधायकों ने भाजपा छोड़ी। स्वामी प्रसाद ने कहा, भाजपा को यूपी से खत्म कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा में भगदड़ मची है। एक एक कर मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। गुरुवार को दोपहर तक एक और मंत्री व तीन विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, यानी एक दिन में चार विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें धर्म सिंह सैनी, विधायक मुकेश वर्मा, विनय साहब और बाला प्रसाद अवस्थी शामिल हैं। मुकेश वर्मा सिकोहाबाद से विधायक हैं, जबकि विनय साहब औरैया के विधुना सीट से विधायक हैं। धर्म सिंह सैनी, मुकेश वर्मा और विनय साहब ने अलग अलग सपा कार्यालय पहुंचकर अखिलेश से मुलाकात की। इससे पहले मंगलवार को योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और बुधवार को दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। यानी बीते तीन दिन में तीन मंत्रियों ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब तक 14 विधायक, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, वे पार्टी छोड़ चुके हैं। धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के आने से सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी बल मिला है। सपा में उनका स्वागत है। मौर्या बोले, स्वामी रूपी नेवला भाजपा को खत्म करके ही दम लेगा। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय साग, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, दिग्विजय नारायण, जय चौबे, बाला प्रसाद अवस्थी, राकेश राठौर, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, ये सभी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद ने इस्तीफे में लिखा था, मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, लेकिन दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और व्यापार की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दारा सिंह ने योगी को भेजे इस्तीफे में लिखा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई, पर सरकार किसानों, पिछड़ों, वंचितों, बेरोजगार की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे मैं आहत हूं। इस वजह से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। अवतार सिंह भड़ाना किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। वो किसानों की उपेक्षा होने से खुद को आहत बता रहे हैं। उन्हें गुर्जर समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। वो पिछले कुछ समय से समुदायों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए थे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। विभिन्न आयोगों, निगमों के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे।